भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का व्यापारी वर्ग को बेसब्री से इंतजार रहता है। एशिया के इस सबसे बड़े मेले में आकर इस बार प्रदर्शक भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। मेले के अंदर एक और मेला, जी हां, व्यापार मेले में सरस आजीविका मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां देश भर के हस्तकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देश विदेश के करीब 2,500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का व्यापारी वर्ग को साल भर बेसब्री से इंतजार रहता है। इंटरनेशनल लेवल पर ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला है कंज्यूमर के लिए और बिजनेसमैन के लिए भी, क्योंकि बिजनेसमैन इंटरेक्ट होता है कस्टमर से और छोटे समय में लाखों लोगों से वो बात कर लेता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में जान लेता है। तो हमारे लिए तो आफ्टर कोविड ये सब हम तो इसका इंतजार कर रहे थे, आज ये लगा है तो इससे पूरे लोगों को भी जब कोविड के बाद एक सब मिलने जुलने का भी मौका मिला है और इन्जॉय करने का मौका मिला है, हम लोगों को भी मतलब आनंद आया है लोगों से बात करके और आगे से प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ बात करके। एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला कहे जाने वाले इस मेले में कंपनियों के अच्छे व्यापारिक संबंध बन रहे हैं। व्यापार की दृष्टि के साथ साथ ये हमारे देश के विविधताओं को दिखाने का भी एक अच्छा मंच माना जाता है। चाहे कमर्शियल एक्टिविटी हो, बिजनेस हो, नए प्रोडक्ट हो, नए ब्रांड हो, या कोई आपकी जो आर्टिस्टिक आपकी विधा है उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, इससे बढ़िया इंटरनेशनल मंच नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का क्या, ये एशिया का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मेला है और हम 7 साल से इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें हमारे बिजनेस में बहुत फायदा इससे हुआ है। बहुत लोगों तक हमारी रीच बढ़ी है, ब्रांड की जो रिकॉल बढ़ा है, बहुत फायदा हमें इससे हुआ है। इस व्यापार मेले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा सरस आजीविका मेला का भी आयोजन किया गया है। इसमें ग्रामीण भारत की शिल्प कलाओं का मुख्य रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें करीब 150 स्टॉल पर देश भर की 300 से ज्यादा महिला शिल्पकारों के हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। पूरे देश से 26 राज्यों से करीबन 300 महिलाएं इस पूरे प्रगति मैदान का जो मध्य केंद्र है, ये हमारा प्रगति मैदान का सरस आजीविका मेला, इसमें ये अपने उत्पाद लेकर के आई हैं। और सरस के बारे में मान्यता है कि सरस को घूमने का मतलब है पूरे देश की कला संस्कृति और जो ग्रामीण उत्पाद है उनसे रूबरू होना। हम लोग दीदियों को आत्मनिर्भर की ओर बड़ी तेजी से ले जा रहे हैं। वो जो अपने अपने हुनर से जो उत्पाद प्रोडक्ट जो बना रही हैं तो उनको एक हम यहाँ मार्केट प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे ये तो मेला है, हम दिल्ली में एक सरस हमारा गैलरी भी लगा हुआ है जहाँ दीदियों का प्रोडक्ट हम लोग रखते हैं साल भर। इस सरस आजीविका मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है जो मेले में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। गिरीश रोशना की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।